खरगोन जिले के भिकनगांव थाना प्रभारी संतोष सिसोदिया को मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि एक व्यक्ति जो मिलिट्री कलर की शर्ट पहने सिगनूर से अवैध हथियार लेकर बमनाला की तरफ आ रहा है, जिसमें एसपी सुनील कुमार पांडे के निर्देशन में अति पुलिस अधीक्षक शशिकांत कनकने एवं भिकनगांव एसडीओपी राजा राम अवस्या के मार्गदर्शन में पुलिस टीम रवाना की। वहां पहुंची टीम ने व्यक्ति की पहचान करते हुए सेल्दा में रोककर उसके काले रंग के बैग की तलाशी ली तो बैग में से 3 देसी पिस्टल मिली, जिसकी कीमत 70,000 रुपये बताई गई। व्यक्ति से पूछताछ करते हुए उसने अपना नाम शशिकांत, पिता राम स्वरूप ब्राह्मण, उम्र 55 साल, निवासी ग्राम महना, थाना जिला भिंड बताया गया। आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। अवैध पिस्टल को लेकर क्या है पूरा मामला? इसमें अभी हमारे पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है अवैध शस्त्र के संबंध में। उसी संबंध में हमको मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति सिरमूर तरफ से अवैध हथियार लेकर आ रहा है, और उसी की सूचना पर हमारे द्वारा थाने पर टीम बनाई गई। टीम बनाकर बमनाला में उसकी इंतजार किया गया, और वेदा नदी पुल के वहाँ पर क्रॉस करते समय उसको पकड़ा गया, और पकड़ने पर उसकी तलाशी के दौरान उस पर 3 पिस्टन मिले, और उसका नाम पता पूछा तो शशिकांत करके निवासी महुना का भिंड का रहने वाला है। सर, इन पर किस धाराओं में कार्रवाई की? इसमें 25A आम सेक्ट के तहत उसमें कार्रवाई की गई। तो इसका बाजार मूल्य कितना होगा? बाजार मूल्य जो करीब 70,000 के समथिंग है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।